जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एनसीबी ने बॉलीवुड पर शिकंजा कसना शुरू किया था। जी हाँ, बॉलीवुड ड्रग मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत मौत से जुड़े मामले में जगताप सिंह आनंद को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एनसीबी अधिकारी ने बताया कि जगताप सिंह आनंद को ड्रग मामले में आरोपी करमजीत सिंह के संपर्क में होने के चलते गिरफ्तार किया गया है। करमजीत सिंह को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े एक ड्रग मामले में सेलिब्रिटी मैनेजर राहला फर्चनर वाला और व्यवसायी करण सजनी भी एनसीबी कार्यालय में पेश हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को इस दुनिया को अलविदा कहा था। जी हाँ, उनके निधन के बाद सीबीआई, ईडी, एनसीबी, मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस ने इस मामले की जांच भी की, लेकिन कोई भी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच सका कि अभिनेता का निधन आखिर हुआ क्यों था, उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जी हाँ, आपको बता दें कि एनसीबी की बॉलीवुड में ड्रग को लेकर कार्रवाई भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि सुशांत के निधन में ड्रग का एंगल सामने आने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को 1 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था। जी हाँ, रिया का भाई भी 3 महीने तक सलाखों के पीछे रहा है। इसके बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। जी हाँ, जिसमें दीपिका पादुकोण से लेकर कई बड़े सेलिब्रिटीज से पूछताछ भी हुई। वहीं अभिनेता अर्जुन रामपाल भी एनसीबी के जद में आ गए। 30 से ज्यादा ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए। एनसीबी अभी भी इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी और खबरों के जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।